गाइस वेट करने के बाद ये चेक कर रहे भाई। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस सबसे पहले दिल से सॉरी, काफ़ी भाई मुझे बोल रहे हैं राजा भाई आप बोल रहे हो सिर्फ और वीडियो डाल नहीं रहे हो। देखो मैंने प्रॉमिस किया था क्योंकि घर में कुछ काम था भाई, छोटा भाई फॉरन जा रहा था, उसके बाद ना और भी बहुत सारे काम थे जैसे हॉस्पिटल जाना वाना, सब खत्म करके आ गया। आपका भाई फ्री हो चुका है, काफ़ी भाई ये भी कमेंट कर रहे हैं लेह लद्दाख इधर जाओ इधर। हाँ भाई अब फ्री हो गया हूँ, वैसे भी गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं तो सारा टाइम घर पर ही रहा भाई, जो अपने सारे इंपॉर्टेंट काम थे वो ख़त्म किए। काफ़ी भाई मुझे बोलते हैं यार वीडियो नहीं डाल रहे हो, हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो भाई जल्दी से जल्दी कर दो सब्सक्राइब, आपका भाई आ गया दोबारा मैदान में। भाई आज मैं पहुंच गया हूँ जम्मू और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं सोचा ब्लॉग आज का यहीं से स्टार्ट करते हैं और अपनी गाड़ी को लेके आए वर्कशॉप में। भाई देखो सरांद में वर्कशॉप है, पंजाब में हर जगह, लेकिन हमारे जम्मू में भी छोटी सी वर्कशॉप है, तो गाड़ी अपनी लगा ली यहाँ पर। ज़हीर भाई अपने साथ भाई की गाड़ी भी यहाँ पे है और गाड़ी लगा ली यहाँ पे भाई, क्योंकि गाड़ी के ना नेट बोल्ट सारे डीले हो गए थे और देखो फट्टू की हालत देख रहे हो, इसकी भी मतलब जो पत्ती वगैरह थी वो सारी ख़राब हो चुकी थी। तो भाई ने बोला यहीं सेट करवा लो भाई, ये सेट वगैरह करवा लेते हैं, बाकी कलर वगैरह की बात की जाए वो सराम से करवाएंगे। यहाँ देख रहे हो, हाँ जी की हाल है जी सर, ये है जी अपने वर्कशॉप के ओनर, क्या नाम है जी सर, क्या नाम है? भाई पहली बार आया हूँ भाई मैं इनके पास, इनकी अपनी ये वर्कशॉप छोटी सी है, जम्मू में इतना बड़ा सिस्टम है नहीं, फिर भी गाड़ी की बॉडी बन जाती है सारा ऑल ओवर काम। यहाँ देख रहे हो ये भी अपनी गाड़ी है, इसका ना फर्श का काम लगा हुआ है। तो बाकी ना गाड़ी के ये जो बोल्ट वगैरह भाई ये बोले, जैसे ये बोल्ट आ गया, यहाँ देख रहे हो बत्ते के ये बोल्ट, ये सारे डीले हो गए थे, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार ना इनको टाइट वगैरह करवा लेते, ये वाला सारे डीले हो गए। तो भाई को बोल दिया सारा मतलब आगे से लेके पीछे तक जो बोल्ट है। उस्ताद जी इधर देखो ये बोल्ट, ज़ाहिर भाई ये बोल्ट देखो गिरने वाले हैं सारे, देखा? तो यहाँ रहा भाई का वर्कशॉप, देख रहे हो ये भी अपनी गाड़ी है भाई, अपनी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की गाड़ी है, और गाड़ी का नंबर दिखा देता हूँ भाई आपको, देख रहे हो 1234 ऐसा नंबर लगाना चाहिए ज़ाहिर भाई। भाई मैंने तो अपने चॉइस नंबर लगाया नहीं था, वो अपने आप लग गया। गाड़ी यहाँ पर कर ली पार्क, आप देखा भाई को बोल दिया बोल्ट वगैरह टाइट करते, उससे पहले भाई नहा धो लेते एकदम फ्रेश हो जाते हैं और फिर आपको दिखाएंगे हम कहाँ का ट्रिप कर रहे हैं। शाम के ना 5 बज चुके हैं भाई, मैं चला गया था कहीं गाड़ी यहीं छोड़ के कहीं दूर चला गया था, क्योंकि मुझे ना घर में सामान वगैरह भेजना था। तो भाई दिखा देते हैं आपको भाई ने कितना काम किया, क्योंकि जो बोल्ट वगैरह थे उन्होंने सारे वो टाइट वगैरह कर दिए और बत्ते वगैरह हमने निकाल के रखे हुए थे वो भी भाई ने वो वाला लगा दिया पीछे वाला। तो चलो चलते हैं, पहले देखते हैं कितना काम बाकी रहा, क्योंकि फट्टे वगैरह खराब थे तो मैंने बोला था भाई को फट्टे वगैरह भी कर देना। तो चलो आपको दिखा देते हैं फट्टे वगैरह अपने क्रैक थे, फट्टे वगैरह जो भी क्रैक थे ये भाई ने, यहाँ देख रहे भाई ये वाला फट्टा ना अपना क्रैक था सारा, भाई ने जुगाड़ कर दिया क्योंकि फट्टे नहीं डालने थे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि जो करवाएंगे सीजन के बाद उसके बाद ये वाला भी, ये वाला फट्टा देख रहे हो अब इनमें कलर वगैरह भी चढ़ाना है। और भाई आप कमेंट करके बोलना कि फट्टू पे क्या लिखा जाए, मतलब कुछ फ़ोटो बनाया जाए या कुछ लिखा जाए। तो चलो बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा खुशी यही है कि हमारे जम्मू में भी अच्छा काम कर रहे हैं भाई। बाकी देख रहे हो भाई ने वहाँ सीढ़ी वगैरह रखी है ना, जो बत्ती वगैरह थे ये हमने निकाल के रखा क्योंकि कच्चे माल में चलो ना अक्सर ये निकालना पड़ता है। चलो ये भी अच्छी बात है। तो चलो भाई आज ना अपने मैट पे कुछ लिखवाने वाले हैं, अभी भाई को पूछेंगे कुछ ना कुछ लिखा दे वो कर भाई लिखवा दे मैट, क्या लिखूं आई लव मेंडर, आई लव मेंडर पक्का क्यों? तो मैक्सिमम अपना काम हो चुका है कंप्लीट, हो गया सारा जी जी काम हो चुका है कंप्लीट, जो भाई बचा वो अभी कर रहे हैं भाई, क्योंकि मैंने बोल दिया अगर ये ऐसे रखेंगे ना तो ये बोल्ट गिर जाते हैं भाई, अगर बोल्ट गिर गया तो ये वाली टूट जाएगी। अब भाई को मैंने बोल दिया कि ये वेल्ड करके दे दो क्योंकि ये लॉक हो जाएंगे और अच्छे से वेल्ड करना, उसका क्या होगा जो वहाँ से पत्ती गिरी है लगा दो। चलो भाई इतनी उम्मीद थी कि भाई अपना काम यहाँ अच्छा होगा, लेकिन अब अच्छा ही हो रहा है। तो भाई का हो गया फर्श, एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको, अच्छा काम किया। अब इसकी होगी सफाई, ये भी अपने भाई की गाड़ी है देख रहे हो, ये ना मतलब सारा टूट सा गया था, ये 2019 है ना? हाँ 2019। हाँ देख रहे हो भाई ने कितनी अच्छी यार फर्स्ट टाइट। तो शाम के ना 6:30 बज चुके हैं भाई और अपने जिगरी यार आ गए मेरे पास आज। बंदा यार ऐसा है ना 5 किलोमीटर मुझे पीछे भुगा रहा है गाड़ी, लास्ट में वहाँ लगाई जगह नहीं, तो भाई ने बोला कि राजा भाई पहले चलते हैं गाड़ी के पास। शकील भाई भी बोल रहे हैं भाई, सारे बोल रहे हैं कि गाड़ी क्यों ट्रैक से उतर गई। भाई देखो यार प्रॉब्लम्स
फैमिली में प्रॉब्लम, तब सुकून नहीं है। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाएंगे, शकील भाई को भी दिखाएंगे गाड़ी। शकील भाई ने आज बता दिया क्या क्या करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ साथ आ जाओ हमारे। चलो चलो, ये जंगला सीधा करवाना है, ये कटवाऊंगा शकील भाई, ये कटवा के ये भी सीधा करवाना, ये सारे कलर फलर और बोल्ट डाल दिया आपने। क्या बोल्ट भी डाल दिया? तो भाई हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, यहाँ भाई दिखाएंगे ये फट्टे वगैरह भी हो गए। शकील भाई फट्टू पे क्या करूँ, ये हो गए ना सेट, हो गए ये, हो गए ले अभी ये बनवाने, ये वाला खराब था ना ठीक, ये बनवा लिए। तो अभी मतलब जब सीजन लगेगा ना तब इसमें ना फट्टे नए लगाएंगे, तो अभी फिलहाल चलेंगे। आप क्या करना है, वो फर्श में मार दिया बोल्ट, इसमें कलर लिखवाना, कलर करवा के इधर नाम लिखवाना। अभी मैंने उसको बोला कलर कर दे, वो बोल रहे नहीं अभी नहीं। मेरे फटे इतने बाहर हैं शुर नीचे, बात सुनो ना, ये इसमें रुक जाएगा कलर। हाँ हाँ, लोहे का फ्रेम, ये इन्होंने जुगाड़ करके दिया, बोलते हैं ये चलाओ। नहीं अच्छा है, अभी एक फटा और है ना, ये वाला डालो, उसके बाद लास्ट। हाँ ओ फटा घुमाओ भाई, ये फटा घुमाओ, ये लाठ बैठा फटा घुमाओ, ये फटा घुमाओ राजा भाई, मतलब हाँ घुमाओ फटा, ऐसे ऐसे नहीं नहीं, अब बाहर आओ जरा, ये फटा, ये वाला फटा ऐसे घुमाओ, ऐसे हाँ, नहीं रहने तो अब वो चलो। फटे वगैरह हो चुके हैं रेडी, एक पेच यहाँ पर लगा, क्योंकि ये क्रैक थे ना, ये गिर ही जाते, ऐसे टूट ही जाते। तो बाकी कलर वगैरह करेंगे, मैट पे भी कुछ लिखेंगे, मैट आप बोल रहे क्या लिखना चाहिए, कुछ सुजेस्ट करो, बताऊंगा बाद में, बोलो ना बाद में, जहाँ रह रहा हूँ उसके लिए लिखूँ कुछ। तो हो चुकी है भाई शाम, और अभी अपना काम हो चुका है कंप्लीट, फटे वगैरह हमने वहाँ लगा दिए भाई, और अब डिसाइड ये होगा कि यहाँ कलर कौन सा किया जाए और उस पर ना लखाया किया जाए, क्योंकि मैट ना काफ़ी टाइम से डला हुआ है, और मुझे ना काफ़ी भाई कमेंट भी करते हैं भाई मैट के पीछे कुछ लिखाओ, तो भाई आप भी कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताना यहाँ क्या लिखा जाए, और ऊपर से ना शकील भाई से डिसाइड करेंगे कहाँ जाएँगे, ट्रिप कहाँ का करेंगे, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया भाई महाराष्ट्र मत जाओ, गर्मी बहुत है वहाँ, बंदा एक मिनट भी नहीं रह नहीं सकता, मतलब ना 4 साल हो गए गाड़ी में ना, साल में ना ये पहली बार मैंने देखा जो इतनी गर्मी है भाई, ऐसा ही शकील भाई बहुत गर्मी, क्योंकि पिछले गर्मी में मैं और शकील भाई पक्के वहीं चले, तो आज ना इस बार हमारी भी बस हो गई है भाई, क्योंकि गर्मी ना लिमिट से भी ज़्यादा है। तो चलो देखते हैं भाई आगे क्या हिसाब किताब रहता है, गाड़ियाँ कहीं लगाएंगे अच्छी सी जगह, हवा तो जम्मू में चल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ ना आज शायद 47 डिग्री चल रहा है बुखार भाई, इतना 38 नहीं है आज, आज ज़्यादा है 40 प्लस चल रहा है भाई हमारे जम्मू में। तो अगर जन्नत में जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो चले जाओ लेह लद्दाख और कश्मीर में चले जाओ, तो अभी दोनों डिसाइड कर रहे थे, मैं तो अभी गाड़ी लेह लद्दाख नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी में जब हल्का माल कहीं मिलेगा परचून वगैरह तो मैं फिर लेके जाऊंगा, ऐसा सीन है अपनी गाड़ी ना पास नहीं कर रही है, तो शकील भाई को बोल रहा हूँ कि आप गाड़ी लेके जाओ, मैं आपके साथ जाऊँगा आपका खलासी बन के, भाई मान ही नहीं है। गुड मॉर्निंग, सॉरी भाई गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून है, तो जैसे आपने देखा था पहले हमने काम करवाया, और भाई रात को ना सारा काम बंद हो गया, क्योंकि आज संडे था, तो सुबह से भाई का वेट कर रहे थे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला हुआ कि भाइयों के कमेंट करके बोलना फट्टू के पीछे क्या लिखूं, वीडियो वगैरह देखी, पुरानी रील्स वगैरह देखी, भाइयों की कमेंट यही आए कि राजा भाई एक बार कलर करवा के ना उस पर अपना यूट्यूब नाम लिखवा लो, तो यही कर रहे भाई, अभी अपने भाई आए घर से, इनकी गाड़ी में डालते हैं फट्टे, और यहाँ से लेके चलते हैं पेंटर के पास, वहाँ उससे पेंट करवाते हैं, फिर उसके बाद लखवाई वगैरह करवाएंगे। तो चलो फट्टे वगैरह उतार देते हैं, अपने पिकअप में डालते हैं, फिर निकलते हैं सीधा भाई के पास, पेंट वगैरह करते हैं भाई, और अभी ये भी माइंड में समझ नहीं आ रही है कौन सा पेंट करवाएं कौन सा नहीं, तो चलो भाई पहले चलते हैं वहाँ पे पेंट वगैरह करवा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या लिखवाई करनी है क्या नहीं, सारा आपको ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। तो फटे वगैरह खोल लेते हैं भाई, उसके बाद ना फिर लेके जाएंगे सीधा अपनी गाड़ी में डालेंगे, अपनी पिकअप यहाँ पे खड़ी है, पिकअप भी दिखा दो ना भाई, अब
फटे वगैरह खोल के रखती है भाई, आप अपनी पिकअप लगाएंगे इसमें डालेंगे फिर निकलेंगे सीधा भाई के पास। भाई ने बोला प्राइमर वगैरह करके रखेंगे फिर उसके मैंने कलर करवाएंगे वाइट कलर, फिर नाम लिखवाते हैं। काफी टाइम बाद ठीक है चलो जी। कितने टाइम बाद चला रहा हूँ आज। कुछ ऐसे भी लोग थे पिकअप वाले अपने खास थे लेकिन वो भी गर्दार ही निकले, अब उनका नाम ही नहीं लेना चाहता भाई। पहुँच चुके हैं भाई के पास, यहाँ रहा भाई पेंटर, इसका ये रहा बॉक्स, यहाँ भाई पेंट वगैरह करेगा हमारी गाड़ी की फट्टी। यहाँ भाई ने बोला अब गाड़ी भी ले आओ, वहाँ गाड़ी लगाएंगे भाई और फिर करेंगे पेंट। अब पेंट डिसाइड कर रहे हैं भैया, ये पहले ये वाली चीज़ ना ये उतारनी है ठीक है, इसके ऊपर नहीं रुकेगा, इसको कुछ करो। क्या चीज़ है ये? वो जो सराउंड में करवाया था वो फोटो नहीं डालते कंप्यूटर से, वो करना ना यार, वो जैसे तू कलर साफ करता है उसके साथ। हाँ, कलर साफ करना, ये करना अच्छा काम करना, सारे देखेंगे यूट्यूब पे अगर अच्छा किया कलर जेंट के की गाड़ी कोई सराउंड से नहीं करवाएगी, आपके पास ही आएंगे सारे ठीक है। फटी वगैरह यहाँ पर, हाँ कोई आएगा सीधा आपके पास से, लेकिन जैसे उसकी गाड़ी में पिकअप में किया ना देखो वो उतर गया है। तो रंग कौन सा करना है इसको? व्हाइट, येलो गाड़ी है, व्हाइट जैसे का कौन सा? व्हाइट जो मर्जी कलर कराओ इसको, लिखने पता है इसके ऊपर ना आपका पेंट नहीं रुकेगा फिर उतर जाएगा। कौन सा, ये वाला? हाँ, इसके ऊपर पेंट बहुत मजबूत है। नहीं, इसके ऊपर आपका पेंट रुक जाएगा? इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर भी, इसका येलो कलर करो जचेगा और लखाई ब्लैक पर चेक कर दो। तो चलो भाई देखते हैं क्या हिसाब किताब रहा है। देखो भाई काम होना चाहिए बारीकी से, ऐसे जैसे मेरा भाई कर रहे हैं ना ऐसे बारीकी से साफ सफाई करके। भाई को मैंने बोल दिया कि अगर मेरी गाड़ी का अच्छा रुके, अच्छा पेंट काफ़ी टाइम तक टिका रहा। देखो हम पीछे से खोलते नहीं है फट्टे, क्योंकि मैंने 4.5 साल ये फट्टे चलाए भाई, काफ़ी भाइयों ने भी ये पेंट निकलवाया लेकिन एक एक साल नहीं रुका। मतलब देखो केयर करोगे ना तो सारी चीज़ें रुकूंगी, ऐसा ही है ना भाई साहब? बिल्कुल सही। तो गाइस दिन के ना 3 बज चुके हैं भाई और गर्मी से इतनी बुरी हालत, अभी तक हमारा लंच भी नहीं हुआ। वसीम भाई और भाई को भेज दिया कलर लाने क्योंकि भाई कलर नहीं मिल रहा। देख रहे हो भाई ने प्राइमर वगैरह करके रख दिया, ये चीज़ चेक कर रहे भाई, प्राइमर वगैरह कर दिया, बबूमन गायब हो गए। यहाँ देख रहे भाई ये वाला, भाई ने एक साइड रखी फ्रंट में शायद वो, हाँ ब्लैक करेंगे बैक वाली साइड। देख रहे भाई पट्टी वगैरह अपने हो चुके हैं प्राइमर, इसके बाद ना हम गाड़ी में करेंगे येलो कलर, क्योंकि यहाँ येलो कलर वगैरह नहीं मिल रहा था। तो भाई अभी यहाँ से ना 2 किलोमीटर दूर गया, देखो येलो के साथ येलो ही जचेगा जी। मिला? मिल गया ना, चलो शुक्र है येलो मिल गया। और भाई मैं अपने भाइयों के साथ बैठा हुआ था, देखो अपने भाई हैं झारखंड, झारखंड से हो ना? कौन सी जगह? बगोड़ा से, झारखंड से जो भाई देख रहे हैं ना, सारे भाई देख रहे हैं यार, अपने भाई जहाँ भी मिलते हैं ना अपने भाइयों के साथ खासकर बैठ जाता हूँ। देखो भाई दूर से है ना लेकिन जो बातें करने का मजा ना वो कुछ अलग सा ही है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है वो जगह कैसी है वहाँ कैसी जगह नहीं है। तो ये अपने भाई की गाड़ी आ गई, कौन सी, 14 है ना? ठीक है भाई, देख लो भाई सिंपल गाड़ी में, अच्छी गाड़ी है इनकी भी भाई। तो कैसा लगा कश्मीर गए थे ना, कैसा लगा? अच्छा लगा काफ़ी। भाई ना बंगाल से बोलते हैं राजा भाई, कश्मीर में आओ तो दिक्कत वगैरह कुछ हुई? नहीं नहीं नहीं, रोड खुली थी, खुली थी। हाँ और भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो भाई आ रहे हैं एक बार और अब डर रहे हैं ना कि वहाँ जाम वगैरह लग रहा है, अब कोई जाम नहीं, अब दोनों साइड से चल रही है ना कन्वाई, जाम लगता है लेकिन थोड़ा बहुत है, कन्वाई दोनों साइड से खुली। तो गाइस करते हैं साथों साथ इस ब्लॉग को यही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना, और गाइस ये कमेंट करके बोलना ये वाली लखाई कैसे लगी आपको। तो मिलेगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह। वाला काम नहीं किए, जो चॉइस होती है वही करना चाहिए, लेकिन अब जब रंग नहीं मिला तो हमने जवाब दिया। ये क्यों, उसमें मतलब जो खराब वो निकल जाता है कि नहीं? नहीं खराब नहीं होता है, फिर कचरा नहीं जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ इससे कचरा नहीं जाएगा, ये डल गया। अच्छा ज़्यादा हो गया था, ऐसे ऊपर से गिरते क्या फ़ायदा। चलो लेकिन मेरी जान ऐसा नहीं, फेंट नहीं होना चाहिए ना, इसको पकड़ना जरा, मैं पकड़ूंगा। वैसे भी मैट पे तो नहीं रुकेगा ना येलो? ये नहीं येलो नहीं रुकेगा, मैट पे करेंगे, लिखाई सिर्फ वाइट कलर से कराएंगे, वाइट कलर से लिखेगा इसके ऊपर, सिल्वर दूंगा मैं वो मैट पे, यार मैट पे सिल्वर से लिखेंगे, एक ही वर्ड लिखना है मैट, एक ही लिखेंगे, जो लिखो अपनी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपकी गाड़ी, मैट पे लिखेंगे हम। तो गाइस आ चुका है टाइम भाई अपने फट्टू को येलो कलर करने का। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब मैं ये इस चीज़ से एक्साइटेड हूँ कि फट्टे लगेंगे कैसे भाई, अब गाड़ी के पीछे लगेंगे ना फिर पता चलेगा ये अच्छे लग रहे हैं या बुरे। तो हमारे आइडिया से हमने येलो ही करवा दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर, बस फोटो नहीं दिखना चाहिए जो नीचे वाला है।
अब लखवाई किस हिसाब से करनी है वो वसीम भाई खुद ही डिसाइड करेंगे। उससे पहले भाई ये कलर कर ले, कलर करवा के भाई हम उससे पहले ना लंच वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि वसीम भाई साथ में है ना, तो भाई सोचेगा यार ये कितना टाइम हो गया खाना खाया नहीं। आपने खाया कुछ? हमने तो खा लिया। खा लिया? नहीं खाया तो बोलो। नहीं नहीं, हम इधर ही ले आएंगे खाना, हम लाए। चलो कलर का कोट हो चुका है भाई, सिंगल यहाँ देख रहे हो, सिंगल कोट भाई ने कर दिया, अब डबल कर रहा है भाई ने बोला कि राजा भाई अगर काम होगा तो अच्छा। वसीम भाई पाइप निकल गई, भाई ने बोला देख रहे हो डबल कोट किया भाई ने, क्या बात है भाई, अच्छा एक नंबर काम। जब ये सूख जाएगा ना, लिखाई होगी ना, तो काफी भाई ना जिनको पता है कि जम्मू में नहीं काम आ रहा, भाई जम्मू में भी एक नंबर लिखाई होती है। अब लिखाई इन पे डिपेंड है भाई, आप पे डिपेंड है, लिखाई वाला भाई कैसे करेगा कैसे नहीं वो भाई जानता है, इसी ने बात किया, मैंने तो किसी को बोला ही नहीं है। चलो पहले ये पेंट वगैरह पूरा हो जाए, उसके बाद लिखाई वाला देखेंगे, थोड़ा सूख जाएगा, लिखाई वाला भाई आएगा गाड़ी के पीछे फट्टे लगा के। फिर फाइनली भाई अपने फट्टे सूख चुके हैं भाई, देख रहे हो अभी भी गीले हैं, लेकिन क्या करें भाई, बाद में ना भाई को भी घर जाना है, वैसे भी आज संडे है ना, तो सारी शॉप्स वगैरह बंद है, फिर भी भाई आ गए, अभी भाई माप वगैरह ले रहे हैं। भाई देखो ये वाला टैलेंट और ये वाली सफाई ना, अब लास्ट में पता चलेगी कि भाई के हाथ की कितनी सफाई है। अभी भाई को हमने बोल दिया क्या क्या लिखना है, तो आप भी देख लो पर लास्ट में कैसा आ रहा है कैसा नहीं। भाई को बोल दिया भाई कलर अपने हिसाब से करेंगे, भाई को जो अच्छा दिखेगा। फट्टे मतलब मैंने अपनी मर्जी से येलो करवाए, क्योंकि वसीम भाई पहले बोल रहे थे वाइट करवाएं, भाई भाई ने बोला नहीं भाई येलो ही करवाएंगे। तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं भाई, जिस पल का वेट था भाई सुबह से ना, मैं बिल्कुल क्या बोलूँ पसीना पसीना हो गया भाई, इतना वेट किया और फाइनली गाइस वेट करने के बाद ये चेक कर रहे भाई। अब कमेंट करके बोलना भाई ये वाला नाम कैसे लगा, भाई ने लिखा, भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की भाई, देख रहे हो ये देख रहे हो, और यहाँ नीचे देख रहे हो यहाँ भी भाई ने क्या लिखा, किंग लिख दिया। वसीम भाई ने बोला कि किंग का नाम मतलब भी बादशाह है, ठीक है, और गाड़ी का नाम तो है ही नहीं, तो भाई ने बहुत अच्छा काम किया भाई, देख रहे हो 2 लागो बनाए हमने, 3 लोगों देख रहे हो फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब। अब भाई देखो जिन भाइयों को ये गाड़ी देखेगी ना पक्का रोक लेना, ये मेरी गाड़ी है भाई, दूसरी मुदस्सर भाई की है, क्योंकि अपनी दोनों गाड़ियों में सेम नाम लिखा, मुदस्सर भाई की गाड़ी में भी सेम नाम लिखा और मेरी गाड़ी में भी सेम। और ये चेक कर रहे हो गाइस यहाँ ये चीज़ लिखने की, भाई आपका भाई हमेशा ना अपना बादशाह यार किंग है किंग। तो चलो भाई कमेंट करके ज़रूर बोलना ये वाला कैसे लगा आपको भाई, देख रहे हो